व्यूअर्स, मैं के स्टूडियो में आप सभी का वेलकम। सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर जिनके बोलने का सबको इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई और वो भी सामने आ गए हैं। यानी सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश इस वक्त मीडिया के सामने हैं और उन्होंने इस शादी को लेकर बनी अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सोनाक्षी और जहीर की शादी में इनके भाई यानी सोनाक्षी के भाई लव और कुश शामिल नहीं हुए थे, ना ही उन्होंने कोई वेडिंग पार्टी अटेंड की और ना ही उन्होंने सोनाक्षी को कोई बधाई दी। इस बारे में लव ने मीडिया से 2 दिन का टाइम भी लिया था, लेकिन अभी फिलहाल कुश सामने आए हैं और उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि ऐसी बातें कहां से आती हैं और कौन इन खबरों को लेकर सामने आता है। मैं ये जानता हूं कि ये खबर मीडिया के थ्रू आई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं शादी में शामिल था और सोनाक्षी की वेडिंग पार्टी पर भी मौजूद था। उनका कहना यह है कि मैंने उस पार्टी को अटेंड किया। हाँ, ये अलग बात है कि मैं एक पब्लिक में नहीं होता, मैं एक आम आदमी हूँ और लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं कैमरे के आगे नहीं आया। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसी कौन सी पार्टी है या ऐसी क्या बात हुई जिसके अंदर ये शामिल हुए और इनको किसी ने नहीं देखा। हालांकि लव और कुश इससे पहले भी मीडिया के सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वेडिंग पार्टी अटेंड की और किसी ने उनको नहीं देखा, ये एक बड़ी ही अजीब बात है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है और लोग बातें भी कर रहे हैं और लव और कुश को लेकर लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके ऊपर हमें शर्मिंदगी होती है। हम उसके इस फैसले पर बहुत खुश हैं और अपनी बेटी के साथ हैं। और मैं मीडिया के थ्रू उन लोगों को ये कहना चाहता हूं जो गलत खबरें फैलाते हैं, मैं कहता हूं कि वो अपनी ज़िंदगी में जाएं और अपनी ज़िंदगी को लेकर अच्छे काम करें। मैं और मेरे बेटे लव और कुश की शुभकामनाएं, हमारी बेटी सोनाक्षी के साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। ऐसी ही मजीद खबरों के लिए देखते रहिएगा मैकी न्यूज़।